क्यों खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि उनका गाना भी लाल घाघरा की तरह सुपर डुपर हिट हो और तकरीबन 20 से 25 दिन तक ट्रेंडिंग में हो। आइए इसके पीछे का पूरा माजरा बताते हैं। आज खेसारी फिर से लाइव आते हैं और इस लाइव में एक झुंझुलाहट है, एक जो दर्द है वो पूरी तरह से आप इस लाइव में देख सकते हैं। और आपको ये बता दें, यहाँ पर खेसारी लाल यादव का जो दर्द दिख रहा है वो एग्रीमेंट को लेकर दिख रहा है, साथ ही साथ उनकी ये अपील भी सामने आ रही है कि मेरे गानों को ट्रेंडिंग में लाओ, जो काफ़ी दिनों से नहीं चल रहे हैं गाने, और जो बकायदा गाने हर जगह रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ होने के बाद डिलीट हो रहे हैं, डिलीट के कारण खेसारी की मार्केट वैल्यू कम हो रही है। ये सारी चीज़ों को लेकर खेसारी लाल यादव लाइव आ रहे हैं, साथ ही साथ लाइव आने के बाद खेसारी के जो इल्ज़ामात हैं, जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं ब्लू बीट भोजपुरी पर, वो पूरी तरह से उनके चेहरे पर भी नज़र आ रहा है। वैसे खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार्स को कोई भी पेपर साइन करने से पहले एक बार अपने पढ़े लिखे मैनेजरों को जो उन्होंने रखा है उससे तो पूछ लिए होते कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक साइन ने पूरी तरह से खेसारी लाल यादव को बांध कर रख दिया है। और आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से तकरीबन करोड़ों रुपए ले चुके हैं, अगर इस पूरे बॉन्ड को, एग्रीमेंट को वो कैंसिल भी करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव का हानि है और किसी के नहीं, क्योंकि वैसे भी बॉन्ड में क्या लिखा है क्या नहीं वो तो उनकी टीम अच्छे से जान सकती है, लेकिन खेसारी की वो झुंझुलाहट, वो दर्द जो दिख तो दिख रहा है, साथ ही उन्हें अब ऐसा एहसास हो रहा है कि भोजपुरी में उन्होंने पवन सिंह से और भी जो लोग, कुछ लोग हैं जिनसे पंगा लेकर उन्होंने अपने सहायता के हर रास्ते को बंद कर दिया है। आपने इससे पहले खेसारी को इस तरह से लाइव आते नहीं देखा होगा। तो क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में और खेसारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।